मैं दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। इसके अंतर्गत अध्याय मानव और पर्यावरण। तो मानव के लिए पर्यावरण बहुत आवश्यक है बेटा, है ना। अपन पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। प्राचीन काल से ही साहित्य में मानव की प्राकृति के पारस्परिक संबंध की विस्तार से विवेचना की गई है। प्राकृतिक माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब लोग उसको स्वास्थ्य पर्यावरण की चार मानव की पर्यावरण के साथ आदमी जीवन शैली रही है। पर्यावरण के प्रति मानव की कृतज्ञता, संवेदनशीलता, सम्मान, आत्मीय सुरक्षा आदि को अभिव्यक्त करता है। मतलब पर्यावरण से मानव में कृतज्ञता, संवेदनशीलता सभी, मतलब पर्यावरण के आधार। पर्यावरण से मानव एक दूसरे के संयोजक, पोषक और रक्षक हैं। मतलब मानव का जीवन पर्यावरण पर ही आधारित है ना। वेद एवं पुराण साक्षी हैं कि प्राकृतिक उसके साथी, मतलब साथियों की पूजा की गई है। गंग प्राकृतिक नदियां हैं जो अपने पास, नदी, पहाड़, ये सब हैं जो हैं, तो लोग इनकी पूजा करते हैं। कहते हैं ना अपन, नर्मदा माता, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो स्रोत्र हैं इनकी अपन क्या करते हैं, आर्च करते हैं। बड़, पीपल और बरा, ये सब जो तुलसी जैसे पौधे हैं, इनकी भी अपन पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को नमन किया जाता है। कहते हैं ना सूर्य भगवान, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक देन है अपनी। अपन को प्राकृतिक से हमारा बच्चों की तरह पालन पोषण, मतलब जो प्राकृतिक है वो अपना पालन पोषण कैसा करती है, बच्चों की तरह। प्राकृतिक को वस्तुतः जीवन का पर्याय माना जाता है। धूप की आहुति वातावरण को कैसा कर देती है, सुगंधित कर देती है। जब अपन धूप लगाते हैं देखो, तो ये प्राकृतिक की जो वातावरण है उसमें सुगंधित अच्छा अपन लगता है। तो ये क्या करता है बेटा, अपन को अपने वातावरण को सुगंधित बनाता है। उपनिषद में पृथ्वी को परमात्मा का शरीर, स्वर्ग को मस्तिष्क, सूर्य, चंद्रमा को आंखें और आकाश को मन कहा जाता है। मतलब उपनिषद जो एक ग्रंथ है उसमें पृथ्वी को परमात्मा, शरीर का स्वर्ग, मस्तिष्क को सूर्य, सूर्य चंद्रमा को आंखें और आकाश को मन कहा जाता है। पौधे व पेड़ों को काटना जल सूत्र को प्रदूषित करना निषेध माना गया है। मतलब अपन आज कहते हैं ना पौधे लगाओ, पौधे हरे, मतलब वृक्षारोपण करो, तो पौधों को इन सबको काटना क्या है, सूत्रों मतलब जो अपना पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है अपन को ज्यादा से ज्यादा। अभी आप देखो कई संस्थाएं हैं जो पेड़ लगाने के लिए अपन को अपना अपना जन्मदिन कैसे मनाओ, पौधा लगा कर मनाओ। कहते हैं क्या अपन को इससे क्या मिलेगा, अपन को पर्यावरण बचाना है तो अपन को ज्यादा से ज्यादा अपन को हरियाली लाना होगा। दूसरा है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण का व्यापक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण का व्यापक अर्थ वाला शब्द है। मतलब पर्यावरण से तात्पर्य है उन परिस्थितियों से जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, जिसमें हम घिरे हुए हैं। वह प्रभावित होते हैं, जैसे वायु, जल, पेड़, पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे। मतलब जो इतनी सब हैं, जो वायु है, जल है, पौधे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश आदि, मानव द्वारा मतलब निर्मित गांव, शहर, मतलब ये सब अपने प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, और मानव द्वारा जो निर्मित है वो है गांव, शहर, पानी, सड़क आदि।
पर्यावरण के अंग, पर्यावरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? दो। पहला जो प्राकृतिक ने बनाए, उसके अंतर्गत पेड़ पौधे सूर्य चंद्रमा ये सब आ गए, है ना, जैसे पर्वत मैदान पठार पेड़ पौधे पशु पक्षी। दूसरा जिसे मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया, जैसे गांव नगर मकान सड़क रेल बांध आदि। पर्यावरण को भौतिक आपा या प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। एक तो भौतिक रूप से दिखता है, जैसे मकान सड़क बांध खेत खलियान आदि, तो ये भौतिक रूप से हो गया। और दूसरा है व्यवहारिक रूप से, जिसमें मतलब अपन जो व्यवहार की दृष्टि से देखें, जैसे धर्म रीति रिवाज खान पान त्यौहार, तो ये भी एक प्राकृतिक परिवेश है। उसके आधार पर अपन फिर प्राकृतिक व भौतिक पर्यावरण, इसमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, जिसे यथा भू रचना चट्टाने जलवायु वनस्पति वन्य जीव खनिज से महासागर आदि। मानव का अस्तित्व इन्हीं पर निर्भर करता है। फिर दूसरा है सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण। सांस्कृतिक मतलब सामाजिक, तब जो समाज के अंदर रहकर मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी संबंध के द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण का भी विकास होता है। मानव द्वारा निर्मित विकसित संचालित आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां, जैसे कृषि उद्योग, मानव रीति रिवाज बसाहट सड़कें रेल मार्ग वायु सेवा सिंचाई और साधन शासन प्रणाली, उसके बाद विज्ञान तकनीकी इसमें सम्मिलित हैं, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में। मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित एवं प्राकृतिक करता रहता है। आपने विद्यालय के आसपास पर्यावरण का अध्ययन करके, मतलब अपने स्कूल में भी अपन देखो बड़े बड़े हर साल वृक्षारोपण करते हैं, मतलब हर चीज़ परिवेश में अपन भौतिक आर्थिक सभी सुविधाएं क्या करते हैं बेटा, है ना। आज आप बैठे हो, आपको अच्छी हवा मिल रही है ना। जब आप बाहर निकलते हो, बड़े पौधे हैं पेड़ हैं, इससे आपको प्राकृतिक पर्यावरण का भी, तो आपस आसपास पर्यावरण का अध्ययन कर प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व की सूची बनाइए। तब आप एक सूची बनाएं कि आपके पास पर्यावरण का क्या क्या है, ठीक है। पर फिर इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। तो प्राकृतिक ने मानव को अनेक उपहार दिए। अपन को प्राकृतिक से खनिज चट्टाने मिट्टी नदियाँ पौधे जीव जंतु, मतलब ये सब अपन को किसने दिए? प्राकृतिक ने। और उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपन को वैसा वो परिवेश प्रदान करते। पर्यावरण से अपन को धूप हवा पानी सब प्राप्त होता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति कैसी होती है? आर्थिक कानूनी नैतिक और सौंदर्य शास्त्र के संबंध में की जाती है। तो जो मनुष्य है उसकी अभिव्यक्ति कैसी है? तो वो अपने हर चीज के दायरे में रहता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक वस्तु या पदार्थ जब मानव के लिए उपयोगी और मूल्यवान होता है तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अपन साधन के अनुसार ही वस्तु का उपयोग, तो अपन को जो भी मानव के लिए उपयोगी होता है और अपन उसका मूल्य देकर प्राप्त कर संसाधन। तो संसाधन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक से मतलब समझते हो बेटा, जो अपन को प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा बनाए। और फिर तीसरा है मानव संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्रदान किए जाते हैं, हम जिनके निर्माण में मनुष्य की भूमिका अहम है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो आते हैं बेटा। पहला है नवीनकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है, मतलब
अपन एक बार उसका उपयोग करके उसको पुनः दूसरी बार भी उत्पादित कर सकते हैं, जैसे वन चारागाह है ना, खेती, ये सब हो जाता है। फिर कृषि भूमि आदि। नवीनीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के उपरांत, मतलब एक बार अपन ने उसका दोहन कर लिया, उपरांत निकट भविष्य में पुनः निर्माण एवं पूर्ति संभव नहीं होती, वे अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे एक बार अगर अपन ने कोयला जला लिया तो जल गया, राख हो गया, उसका उपयोग अपन दूसरी बार नहीं कर सकते। इसी प्रकार पेट्रोलियम और जो भी अपन गैस, ये मान लीजिए अगर एक बार अपन ने उपयोग कर ली, इसके बाद अपन दूसरी बार उसका उपयोग अपन दूसरे नया खरीदने पे ही कर पाते, तो उसे कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन। फिर मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य है मानव की संख्या एवं योग्यता से है। मानव खुद निर्मित करता है संसाधन को, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव की मानसिक व शारीरिक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मानव स्वयं एक प्रमुख साधन है जो प्राकृतिक तत्वों को ज्ञान, श्रम, तकनीकी के आधार पर संसाधन के रूप में क्या करता है, प्रयुक्त करता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में वह संसाधन का निर्माण उपभोक्ता दोनों की है, मतलब जिस अपन को जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं जनसंख्या के रूप में, वह संसाधन का, जैसे संख्या, मतलब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, निर्माता भी और उपभोक्ता दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। फिर है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन उत्पादन के लिए साधन है, मतलब मानव ही किसी वस्तु का क्या करता है, उत्पादन करता है, लेकिन वो संसाधन अपन को प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण मानव ने पर्यावरण के भौतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए किया, जैसे अपन मशीन, भवन, उपकरण आदि, ये कौन निर्मित करता है, मकान भी बनाएगा तो कौन बनाएगा, मानव है ना। ये अपन को एक संसाधन है, इसमें अपन क्या करते हैं, रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए भवन इंसान मानव, मतलब मानव बनाता है। फिर दूसरा, तीसरा है भूमि संसाधन। भूमि मतलब जिसमें अपन कोई भी उत्पादन, कृषि करते हैं है ना, सब्जी उगाते हैं, भूमि उससे संबंधित संसाधन। तो भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, संपूर्ण जगत का क्या है बेटा, ये आधार है। मकान, सड़क, रेल, कृषि, पशु चरण, खनन उद्योग आदि कार्य भूमि का उपयोग से ही होते हैं। तो भूमि का उपयोगिक अनुपात है क्षेत्र में एक समान नहीं है, मतलब कोई भूमि कृषि योग्य है, कोई रहने योग्य है, कोई सड़क के लिए है, कोई नदी के लिए है ना। तो लगभग 29% भाग काय के लिए है बेटा, जल थल है, और 71% भाग कैसा है बेटा, ना जल है। फिर है कृषि संसाधन। भूमि, मृदा एवं जल कृषि के आधारभूत संसाधन हैं। तो जो कृषि के लिए अपने लिए कार्य, तो सबसे पहले मृदा, मिट्टी अच्छी होगी तो उपजाऊ होगी, तो अच्छी कृषि होगी। उसके लिए अपन को कृषि जब करेंगे तो उसके लिए अपन को पानी की आवश्यकता होगी। तो भूमि, मृदा, जल कृषि के आधारभूत संसाधन है। समुद्री, तटीय एवं नदी घाटी को भी जल और उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य से आसानी से किए जा सकते हैं। उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के विभिन्न साधन, उन्नत बीजों और यंत्रों की मदद से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि हुई है। फिर जल संसाधन। धरातल पर जल वर्षा एवं झील, तालाबों, दो झरनों, नलकूपों आदि जल का उपयोग सिंचाई, उद्योग, घरेलू, मतलब जल हर चीज के लिए उपयोगी है, घरेलू कार्य के लिए, उद्योगों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, जल परिवहन से होता है। सार्वधिक जल का उपयोग विश्व भर में कृषि कार्य हेतु सार्वधिक, मतलब सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य के लिए, बाढ़ के रूप में अनावश्यक रूप से रह जाता है। प्रतिवर्ष धन संपत्ति व फसलों में काफी नुकसान होता है जब बाढ़ आ जाती है। जल के बेहतर उपयोग व प्रबंधन के लिए बहुउद्देशीय नदी, घाटी
और योजनाओं, मतलब वनों को, मतलब पानी को अगर अपन को संरक्षण करना है तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हुई, डैम बने हुए हैं। ये बहुउद्देशीय योजनाएं हैं जो मतलब तैयार की गई हैं। फिर है मृदा संसाधन, मृदा मतलब मिट्टी। पेड़ पौधे और वनस्पति को उगाने के लिए मिट्टी आवश्यक है। जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। मृदा का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण में खेलों के प्रकार, जलवायु, भूमि, ढाल, वनस्पति आदि का कैसा है बेटा, महत्वपूर्ण योगदान है। मृदा की उर्वरता इन्हीं पर निर्भर करती है। फिर है वन संसाधन। विश्व में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग, मतलब 30% भाग जो है बेटा वो वनों से ढका हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों में मतलब क्या, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है अगर वन अधिक हो, अच्छे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ हों, है ना। सूखे व ठंडे प्रदेशों में एक विकसित नहीं होते, मतलब इसके लिए विशेष महत्व है। वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। समस्त जीवों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन को संचित कोष माने जाते हैं। वन जल में मिट्टी संरक्षण, वनों से भूजल स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार वाहनों में विविधता के लिए रुकती है। वन पक्षी, वन्य जीवों, प्राणियों को सुरक्षित आवास है। तब अगर वन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो पक्षियों के लिए क्या है, सुरक्षित आवास है। वनों से प्राप्त लकड़ी, जड़ी बूटियाँ अनेक उद्योगों पर भी अपन के लिए, उद्योगों के लिए ये आधारित हैं। मानव और पर्यावरण का संबंध और प्रभाव। मानव पर्यावरण एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। मानव जाति पर्यावरण मतलब जो है मानव जाति को घोषित करता है, मानव से प्रभावित होता है। मतलब मानव चाहे तो पर्यावरण के को अच्छा भी रख सकता है, मतलब वह बुरा भी। मानव प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष मतलब दिखता है कि मानव पर्यावरण पर ही। मानव के समान अन्य जीव भी भोजन, जल, वायु, आवास हेतु पर्यावरण पर निर्भर है। मानव अपनी भौतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक उन्नति के लिए पर्यावरण के घटक पर आश्रित है। उसने प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों के उपयोग में से खेत, कारखाने, सड़क, रेल मार्ग, बांध, नहरों का निर्माण किया है। धर्म, आचार विचार और सांस्कृतिक इसी को पर विकसित हुई है। प्राकृतिक पर्यावरण में मानव के हस्तक्षेप से पर्यावरण के स्तर में ह्रास हुआ है। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, आवागमन, तकनीकी क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। पहले मनुष्य प्राकृतिक को अपनी जीवन रक्षा का साधन मानता था, किंतु वर्तमान में यदि युग में प्राकृतिक के भंडार का अभिलेख पूर्ण तरीके से दोहन करके उस पर अपना अधिपत्य स्थापित करना चाहता है। मानव और प्राकृतिक वो बिल्कुल मतलब पहले उसी पर आधारित था, लेकिन अब उस पर वो क्या करना चाहता है, अपना अधिपत्य करना चाहता है। कहीं वनों को काट रहा है, कहीं वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है। सूखा, बाढ़, भूसंकलन, हजारों लोग परेशान नजर आते हैं। अगर अपन प्राकृतिक से छेड़छाड़ करें तो ये सब चीज़ें भी अपन के लिए। प्राकृतिक संपदा के भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और कृषि योग्य भूमि कैसी होती जा रही है, कम। सिंचाई साधनों में वृद्धि और आधुनिक कृषि के, वास्तव में सभी परिस्थितियां मानव से स्वयं निर्मित की हैं। तात्कालिक लाभ के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक का मनमाने ढंग से दोहन कर वातावरण को कैसा करता है, असंतुलित करना, वातावरण को कैसा प्रदूषित को जन्म देता है। मतलब जो प्राकृतिक का दोहन होगा तो प्राकृतिक भी वातावरण कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। असंतुलन की स्थिति में वनस्पति जीवधारियों के लिए घातक है। उत्तम भोजन, निवास, आराम की इच्छा व्यक्ति
कौशल के द्वारा मनुष्य ने अपने सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया। फिर है प्रदूषण। पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। मतलब प्राकृतिक की जो संरचना है एवं संतुलन है, तो उसमें अवांछनीय परिवर्तन, मतलब व्यक्ति अपने हाथ से जो परिवर्तन करता है, तो वो पर्यावरण कैसा होगा, उससे प्रदूषित होगा। फिर दूसरा है बेटा प्रदूषक। वे अनुपयोगी पदार्थ जो अनुचित मात्रा में उपस्थित होके प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक के दो प्रकार होते हैं, तो पहला है प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा है मानवीय प्रदूषण। जैसे कीटनाशक, कांच, प्लास्टिक, रेडियो धर्मी पदार्थ हेतु विभिन्न प्रकार के रसायन हैं जो प्रदूषक होते हैं।